गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। तो आज का हमारा फ्रेंड जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स में आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं मे और माइट, कि मे और माइट का यूज कहां किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मे का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो होता है शायद, यानी कि किसी काम के होने की 50-50% संभावना, चांसेस 50-50%। और माइट का मतलब होता है शायद ही। ज्यादातर ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में, लेकिन देखिए डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है परसेंटेज में। माइट का यूज हम वहां ज्यादा करते हैं जहां पर किसी भी काम के होने की संभावना बहुत कम होती है, आउट ऑफ 100 20%। ठीक है, पहले हम मे के एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम माइट के एग्जांपल लेंगे। पहला सेंटेंस है शायद आज बारिश होगी, यानी कि कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। हमारे दिमाग में चल रहा है भाई बादल देख के कि सारे काले काले बादल हो रहे हैं, हो सकता है आज बारिश हो जाए। दूसरा सेंटेंस है आज बारिश होने की संभावना है। तो इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं शायद आज बारिश हो सकती है। देखिए, कैन का भी यूज होता है सकता है, सकती है के लिए, और मे का भी यूज होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है जब ये वर्ड आ जाता है शायद। कभी भी कैन में सकता है, सकती आता है, लेकिन शायद नहीं आता। ठीक है, अगर शायद आ जाएगा तो आप मे और माइट का यूज करेंगे। ठीक है, परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो हमारा सेंटेंस बना इट मे रेन टूडे। इट हमारा सब्जेक्ट है, मे मॉडल हमने यूज किया क्योंकि बारिश होने की संभावना 50-50% हमें लग रही है। तो सेंटेंस बना इट मे रेन टूडे। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शायद मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। क्या मेरे जाने की संभावना पूरी पूरी है या छोटी है? नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ शायद मैं जाऊंगा, कंफर्म नहीं है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ भाई शायद मैं आज उससे मिलने जा सकता हूँ या कल मिलने जा सकता हूँ। तो जो हमारा मे और माइट है ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर की सेंस में, यानी कि जो काम प्रेजेंट में हो सकता है जिसके चांसेस हैं, या फ्यूचर में होगा जिसके चांसेस हैं। आई मे गो टू मीट हिम, मे हमारा मॉडल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो टू मीट हिम टुमारो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई मे गो टू मीट हिम का मतलब है शायद मैं कल उससे मिलने जाऊंगा, शायद मैं कल उससे मिलने जा सकता हूं। मतलब 50-50% चांसेस है यहाँ पे, कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। थर्ड एग्जाम्पल, वह शायद ही आज स्कूल आएगा। देखिए, जब भी हम शायद के साथ ही लगा देते हैं तो हमारी जो संभावना है वो और कम हो जाती है, यानी कि बहुत कम संभावना है मेरे जाने की। हो सकता है कोई रीजन हो सकता है मेरी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो 20% चांसेस जब होते हैं किसी काम के होने के 100 में से, तो हम माइट का यूज करते हैं। ही माइट कम टू स्कूल टूडे, यानी कि वह शायद ही आज स्कूल आएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जो हमारा है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी समझ लीजिए। उसने मुझे बताया कि वह शायद ही जीतेगा, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी को बताया कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, शायद ही मतलब 20%। दूसरी बात, उसने मुझे बताया, ये आपका पास्ट टेंस है, और शायद वह जीतेगा ये आपका फ्यूचर टेंस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल चलता है कि पास्ट फॉलोज पास्ट, यानी कि जब भी पहला सेंटेंस पास्ट होता है और वो किसी कनेक्टर से जुड़ा होता है अगला सेंटेंस, तो अगले सेंटेंस को भी हमें पास्ट फॉर्म में रखना पड़ता है। पास्ट फॉर्म मतलब जो भी सेंटेंस है उसकी पास्ट फॉर्म यूज होगी। तो मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है, इसलिए हम इस सेंटेंस में माइट का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट की ही माइट विन, वह शायद ही जीतेगा। ठीक है, तो हम यहां पर मे का यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहां पर शायद भी लिखें, 50-50 चांसेस भी बताएं, तो भी हम यहां पर मे का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले वाला टेंस हमारा पास्ट फॉर्म में है। तो हमें मे की पास्ट फॉर्म माइट का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आपको मे और माइट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।